जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और अभी आप लोगों का जो है टेस्ट चल रहा है और टेस्ट का ये मैथमेटिक्स का जो आपका क्वेश्चन है ये जून महीने का टेस्ट चल रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बार एग्जाम के पैटर्न में जो है बदलाव हुआ है कि आप लोग को जो इससे पहले एग्जाम होता था कि एक 3 महीने पर, फिर 6 महीने पर, फिर 9 महीने पर और फिर आपका बोर्ड एग्जाम होता था, लेकिन इस बार हर महीने में एग्जाम आपका हो रहा है। तो ये जून महीने में जो आपका टेस्ट अभी हुआ है, ठीक है ना, उसका ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो आज हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक एक करके क्वेश्चन लगभग हमको लगता है कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाकी कुछ 2 अंक वाले और कुछ 5 अंक वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आइए बारी बारी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का एक अलग तरीका आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। बस आइए शुरू करते हैं एक एक करके प्रश्न को, बिना ज़्यादा इधर उधर की बात किए हुए। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। सवाल आपका यह है कि यदि एफ जो है यहाँ पर, ये आर से आर में एक आपका जो है, यहाँ गौर से देखिएगा, हाँ मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, तो जिसमें एफ एक्स बराबर है एक्स के पावर 4 से परिभाषित है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है, क्या एकाकी है, क्या बहुएकाकी है, क्या एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। सबसे पहली बात कि जब आपका ये फंक्शन एफ एक्स वाला है, थोड़ा सा आप गौर करेंगे, ठीक है ना, देखिएगा। तो यहाँ पर आपका है एफ एक्स बराबर कितना, एक्स के पावर 4, ठीक है ना। सबसे पहली बात, जब यह एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 है तो यह आपका बहुएकाकी होगा, क्योंकि एक, जैसे यहाँ पर देखिएगा आप x के जगह 1 रखिएगा कितना निकलेगा, 1 माइनस 1 रखिएगा तो यह कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा, ठीक है ना। तो यह बहुएकाकी भी है और साथ में आच्छादक भी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा आपका है एफ एक्स बराबर, यहाँ देखिएगा दूसरा प्रश्न आपका है कि एफ एक्स बराबर है आपका 3 माइनस एक्स के पावर 3 और इसके टोटल के पावर में है 1/3, ठीक है। टोटल के पावर में कितना है, 1/3। अब आप ध्यान से देखिएगा, सवाल आपसे क्या पूछा है कि फॉफ एफ ओ एफ यानी फॉफ का मान क्या होगा, ये एफ एक्स का मान दिया गया है। बड़ा आसान सवाल है, थोड़ा गौर से देखेंगे, ये 3 माइनस एक्स जहाँ पर दिख रहा है, एक्स के जगह पर पुनः यही मान रखना है, तो 3 माइनस एक्स क्यू और इसके पावर में 1/3 और फिर टोटल के पावर में 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, हाँ एक्स के जगह पर मान रख दिए इतना, ठीक है, एक्स के जगह पर ये मान रखा है 3 माइनस एक्स के पावर 3, 3 माइनस एक्स के पावर 3 के होल पावर में 1/3 ओ और इसके पावर में 3 होगा पहले, सॉरी क्योंकि ये 3 है ना, तो इसके पावर में 3 होगा और तब जाकर इसके पावर में 1/3 होगा। ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, कितना बचेगा देखिए, तो 3 माइनस, माइनस से गुना कर रहे हैं 3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर 3 और पावर में हो जाएगा 1/3, ये आपका ख़त्म। एक्स के पावर 3 और इसके पावर 1/3 है तो पावर टू पावर गुना कर लेंगे हम, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स के बराबर, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। यदि आप रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर को पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको फॉग गॉफ हॉफ फॉफ गॉग इन सब का मान निकालना आपको सिखा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये उसी से संबंधित आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर सवाल आपका है कि यदि साइन थीटा बराबर वाई है, देखिएगा यही है ना, कि यदि साइन थीटा बराबर वाई है तो थीटा बराबर क्या होगा, इधर मेन कोण में इनवर्स में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स वाई, ठीक है ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 के बराबर। यदि आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर है साइन इनवर्स 1/2, हमने आपको इसको पढ़ना सिखा दिया था, ठीक है ना। जिसको ये पढ़ना आ गया वो इसका आंसर आसानी से बना सकता है। इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, तो पढ़ना इसको उल्टा है। कैसे उल्टा पढ़ेंगे भाई, कि साइन में 1/2 कितना का मान, ठीक है ना। नॉर्मली पढ़ते हैं कि साइन थीटा का मान, सॉरी साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ पढ़ना है कि साइन में 1/2 कितना का मान। तो साइन में 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है और 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। यदि आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं तो 5वां सवाल आपका है
कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, मतलब कह ये रहा है कि कॉस में रूट तीन बटा दो कितना का मान होगा। तो कॉस में रूट तीन बटा दो जो होता है वह भी 30 डिग्री का ही मान होता है, और 30 डिग्री का मतलब पाई बाई सिक्स होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर छः देखिएगा, छठा सवाल यहाँ पर आपका है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, आप खुद ही बता दीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। तो पाई बाई टू होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। अगला सवाल देखेंगे, सात नंबर सवाल यह है कि आपका पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। इससे पहले आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है। अच्छा, यदि कॉट इनवर्स एक्स को इधर ज्यों का त्यों रखते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो अब आप जहां पर पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स है वहां पर क्या लिख सकते हैं, तो कॉट इनवर्स एक्स नहीं, हाँ यहाँ देख लीजिए ना ठीक से, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है। और यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स जो है पाई बाई टू के साथ माइनस में चला जाएगा। तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे आठ नंबर, ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन, यह भी आपका फॉर्मूला ही है यदि आप गौर से देखें तो। सवाल आपका है कि साइन इनवर्स एक बटा एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक बटा एक्स बराबर होता है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ऐसा ही है ना। एक मिनट देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखे, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि यहां कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है ना, कॉस इनवर्स एक्स है, और फिर ठीक है ना, और यदि आप बात करें कॉस इनवर्स माइनस एक्स की, यानी कॉस इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगा हुआ है, तो यदि अंदर में माइनस लगा हुआ है तो आप इसको कर क्या सकते हैं, हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं आप प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई में से घटाना पड़ेगा आपको, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछे कि टेन इनवर्स वन बटा एक्स बराबर क्या होगा, तो हो जाता है आपका कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी यहां पर है कॉट इनवर्स एक्स के बराबर हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्या है सवाल आपका है कि एक्स प्लस वन, ये मैट्रिक्स का सवाल है, एक्स प्लस वन थ्री नाइन सेवन, और इधर आपका है आठ तीन नौ दो प्लस वाई, तो एक्स और वाई का मान निकालना है। सुनिए, जब आपका मैट्रिक्स वाला सवाल हो और बीच में बराबर चिन्ह आ जाए तो आपको यह समझ के रखना है कि संगत वाला अवयव के बराबर हो जाएगा। जैसे x प्लस वन के संगत कौन है, तो आठ, यानी हो जाएगा आपका x प्लस वन बराबर है किसके, आठ के, तो x बराबर हो जाएगा आठ माइनस एक यानी कि सात, x का मान सात निकल गया। अच्छा, y का मान निकालना है तो देखिए y का संगत यहां पर आपको दिख रहा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका टू प्लस वाई बराबर सात, दो इधर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो सात में से दो घटेगा पांच, यानी हो गया y बराबर पांच, तो x बराबर सात y बराबर पांच, देख लीजिए कहां पर है, x का मान सात y का मान पांच, हाँ तो पहले सात बाद में पांच, पहले x का मान बाद में y का मान, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन इकाई अवयव है। देखिए, इकाई अवयव होने के लिए आपको जो है ना याद रखना है 1001, ठीक है ना, ये दो गुने दो कोटि का इकाई होता है, इसको आप आई टू कह सकते हैं, या फिर 100010 और 001, जिसके विकर्ण में अवयव जो हो वो एक हो, ठीक है ना, हाँ। तो ये तीन गुने तीन कोटि के तत्समक अवयव है और तीन गुने तीन कोटि के आई का मान है। देखिएगा, विकर्ण में जो है ना एक है केवल, यहां पर देखिए विकर्ण में सिर्फ एक हो और बाकी सभी अवयव जीरो के बराबर हो तो उसको हम कहेंगे तत्समक अवयव, और उसी का मान जो होता है आई के बराबर होता है। तो ये दो गुने दो कोटि का है, ये तीन गुने तीन कोटि का है, यहां आपसे दो गुने दो कोटि का पूछा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13
यहां पर भी एक्स वाई का मान निकालना है। देखिए पहला वाला को यहां एक्स वाला को इसे तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 + x = 3, यानी x बराबर हो जाएगा 3 में से 3 घटेगा तो 0। अच्छा जब y की बात करेंगे तो y बराबर देखिए यहां पर कितना है 7, तो x का मान 0 y का मान 7 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, x का मान 0 y का मान 7। अच्छा यहां 7, 0 भी दिख रहा है, 7, 0 का मतलब हो गया कि x का मान 7 y का मान 0। हमेशा जब भी लिखा जाता है नियामक तो उसमें x का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ x का मान 0 y का मान 7, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हर बार में गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो ही जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। tan इनवर्स 1 इसका मतलब क्या हो गया कि tan में 1 कितना का मान है, tan इनवर्स 1 इसका मतलब है कि tan में 1 कितना का मान है, तो tan में 1 जो होता है आपका π/4 का मान होता है, अर्थात 45 डिग्री का मान होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल आपका 15 नंबर है कि tan इनवर्स 1/√3, इसका क्या मतलब हो गया भाई कि tan में 1/√3 कितना का मान है। यदि आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिए कि tan में 1/√3 कितना का मान है, वो 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री का मतलब π/6 होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि cos इनवर्स 0 मतलब cos में 0 कितना का मान है 90 डिग्री का, क्योंकि साइन में 0 डिग्री का मान 0 होता है तो कॉस में 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां देखिए साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, बिल्कुल फॉर्मूला वही है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाता है π/2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एकदम आसान सवाल है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस के बराबर। अगला सवाल 19 नंबर आपका है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए इतना आसान आसान सवाल जो है ना यहाँ पर पूछा गया है जिसका नाम मत रखिए आप, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई 2x, बनाएंगे भी नहीं आप, क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे में देख के ही आंसर बना दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, 5 का डिफरेंशिएशन पूछा है, 5 कांस्टेंट है, ठीक है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा। अगला आपका है कि कॉस इनवर्स 4/5 यानी कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो ये आधार का मान है ये कर्ण का मान है, आधार का मान 4 कर्ण का मान 5, तो पूछता है कि साइन में इसका मान कितना के बराबर होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन इनवर्स लंब के जगह पर हो जाएगा आपका 4 और कर्ण के जगह हो जाएगा 5, नहीं क्योंकि देखिए कर्ण है आपका 5 तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस आधार है 4 तो 4 का स्क्वायर, अच्छा सॉरी 4 है ना तो 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घट गया 9 का वर्गमूल 3, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका 3/5, साइन इनवर्स 3/5 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल आपका है, हाँ क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, 5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा -1/5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टैन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, इधर से मेन कोण में से इधर इनवर्स में आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर यानी शून्य को योज्य प्रतिलोम कितना होगा, शून्य का कितना होगा भाई, शून्य का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, देखिए तो शून्य का योज्य प्रतिलोम यहां पर देखिए, सबसे पहले तो 1/0 यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, यदि ए और बी के बीच एक संक्रिया है, यहां देखिएगा ए और बी के बीच एक संक्रिया है, कैसा संक्रिया है भाई, तो ए में 2 से गुना किया गया है, बी में 3 से गुना किया गया है, तो कहता है कि वही संक्रिया 5 और 7 के बीच करेंगे तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी के बीच संक्रिया है 2a + 3b के रूप में, वही 5 और 7 के बीच कह रहा है ना, कोई बात नहीं है, ए के जगह 5 बी के जगह 7, तो 2 × 5 आप +3 × 7 ये हो जाएगा आपका 10 + 21, 21 + 10 कितना हो जाएगा 31, 31 जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में यदि देखेंगे तो यहाँ देखिए ए और बी के बीच एक फिर से संक्रिया है जिसमें ए को ज्यों का त्यों रखा गया है, बी का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ा गया है ना, तो ए के जगह पर 2 रख देना है, बी के जगह पर 3 रख देना है। देखिए यहाँ पर
जैसे ही ए के जगह पर 2 रखेंगे और बी के जगह पर 3 रखेंगे तो ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 आ 2 कितना हो जाएगा 9 आ 2 11, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, क्या है भाई, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना पाई बाई 2, ठीक है ना। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 2। सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है ना, आप बस 5-7 मिनट में खाली ना ए बी सी डी करके फटाफट से लिख दीजिएगा। 30 प्रश्न का आंसर मात्र 10-12 मिनट में आपको देखने को मिल गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन रहा। अब आप लोग का क्लास बिल्कुल कंटिन्यू होने वाला है, एकदम शाम में जो क्लास चल रहा था उसी टाइम से, तो ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।